ओके दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो पे। मैं इसे वाइंड कर चुका हूँ और मैं इसे फिटिंग भी कर चुका हूँ। मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ, हाई मीडियम लो पे कितना ये एम्पेयर लेती है। तो फिलहाल अभी मैंने लो पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं ये मेरी रेड लो है, ब्लैक हाई है, वाइट मीडियम है, ब्लू कॉमन है, कैपेसिटर में लगी हुई है ये। ओके दोस्तों, इसमें 4500 कैपेसिटर है तो मैंने लगा रखा ये वाला थोड़ा ख़राब है कैपेसिटर। ओके दोस्तों, 45 का देख सकते हैं आप, 45 का। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मोटर में एम्पेयर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोस्तों इस एम्पेयर मीटर पे। चलिए शुरू करते हैं, पहले मैं आपको उसकी लो चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी मोटर चल रही है, वो दिख ही रहा होगा, और एम्पेयर ले रही है ये मेरी 2.37। ओके दोस्तों, और मैं बता दूँ इसमें एम्पेयर मोटर में देख सकते हैं एरा ब्लोअर लगने के बाद 7.6 एम्पेयर ले गई है। और दोस्तों ये मेरी लो थी, अब मैं आपको इसकी मीडियम चेक करवाता हूँ। तो फिलहाल इसे बंद करूँ और यहाँ से मैं निकाल दी तार। मेरी मीडियम वाइट देख सकते हैं आप, वाइट पे लगा दिया मैंने। मेरी मोटर चल रही है 2.69। ओके दोस्तों, ये एम्पेयर है इसके। और अब मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी हाई, ये देख सकते हैं आप। ये मोटर चलती है मेरी, हाई ले रही 2.0, ये समझ लो 3 एम्पेयर ले रही हाई पे, यानी कि 7 एम्पेयर से आधे। ओके दोस्तों, तो ये हमारी मोटर हो चुकी है, एम्पेयर भी दिखा दिया मैंने हाई मीडियम लो पे कितने एम्पेयर लेती है, और हमारी मोटर हो चुकी है कंप्लीट। तो अब ये इंडोर मोटर में लगने के लिए तैयार है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों से मेरी एक नई वीडियो में। मेरे पास एक ये मोटर आई है डाइकन की, और ये है 3 स्पीड मोटर, आपको दिख ही रहा होगा 3 स्पीड मोटर है और डबल सावट की है, देख सकते हैं डबल सावट है। और मैंने इसको खोल लिया था फिलहाल, फिर मैंने लगा दिया ताकि आपको बता दूं मैं, डबल सावट है। और इसमें आपको कुछ जानकारी दे देता हूं, इसमें क्या क्या है। 230 वाट इसके 1000 है, एम्पेयर है 7.6, RPM है इसके 1060, 980, 900। इसमें कैपेसिटर आप देख सकते हैं 45 का कैपेसिटर है इसमें, यानी कि सीधी है, लीड साइड से सीधी है और इधर से एंटी है आगे से। ओके दोस्तों, यानी कि एंटी मोटर है ये, ऐसे घूमेगी उल्टी। तो आप देख सकते हैं आप, 45 का कैपेसिटर है और लीड है इसकी ये वाली है 3 स्पीड में, ब्लू कॉमन है, ब्लैक हाई है, रेड लो है, वाइट मीडियम है, और ये ऑरेंज और येलो कैपेसिटर की तार है। ओके दोस्तों, और ये चलिए इसको खोलना शुरू करते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं बड़ी है, 12 अंदर से आपको दिख रहा होगा।
तार से वाइंड करी हुई है, स्पीड सिंगल तार से करी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग की तार थी येलो, तो सभी देख सकते हैं तीन तार है, ये रनिंग, एक एक कॉम, ये समझ लीजिए हाई है, हाई में देखो तीन तार है और ये स्टार्टिंग के साथ जुड़ी हुई है कॉमन, मतलब रोटेशन के लिए, ये सभी तीन तार, यानी कि ये देखो तीन तीन तार से रनिंग स्टार्टिंग, तीन तीन तार से और स्पीड सिंगल तार से। तो मीडियम दिखा देता हूँ आपको, ये वाइट वाइट तार बीच में, ये मीडियम और सिंगल सिंगल तार से। ओके दोस्तों चलिए डाटा काउंट करते हैं, नोट कर
Thank you.
कनेक्शन कर चुका हूँ आपको बता दूँ। ये दो तार मीडियम है, ये हाई बन गई हमारी, तीन तार और एक स्पीड हाई, और ये कॉमन और ये हमारी लो। आपको दिख रहा होगा ये कॉमन है, ये लो है, ये मीडियम है दो तार की, और ये हाई है। इसमें देख सकते हैं आप सिंगल तार और रनिंग की तीन तार, तो ये हाई है। चलो ये हमारे हो गया कनेक्शन थ्री स्पीड के, अब डालने से स्टार्टिंग। कनेक्शन भी कर चुका हूँ, बस लीडर में आपको समझा देता हूँ कि इसमें हाई मीडियम लो कौन सी है। ये कॉमन है हमारी, इसमें से कैपेसिटर की चाहिए तार, कॉमन प्लस कैपेसिटर, ये लो है और ये हमारी हाई है। इसमें तार देख सकते हैं छः और एक स्पीड सात तार, और ये हमारी मीडियम है डबल तार आप देख सकते हैं इसमें, और ये हमारी स्टार्टिंग है जो इधर से आ रही है आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग की सिंगल डबल तार यानी तीन तार से वाइंड हुई है, ये रनिंग भी तीन तार से ही है देख सकते हैं आप, और स्पीड जो है सिंगल तार से है, रनिंग स्टार्टिंग
तीन तीन तार से, और गेज जो है अलग अलग है। बाकी इसका डाटा जो है मैं अपनी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए इसमें लीड लगाते हैं, उसके बाद आपसे बाद में मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने लीड लगा दी है, ये देख सकते हैं ब्लू कॉमन प्लस कैपेसिटर है, और एक स्टार्टिंग की कैपेसिटर की वाइट मीडियम है, और ब्लू कॉमन है प्लस वही ब्लैक हाई है। आप देख सकते हैं ऐसा ब्लैक में ये देख सकते हैं तीन तार, एक दो और तीन भी ब्लैक है हाई, और हमारी सिंगल तार लो। ओके दोस्तों, ये थ्री स्पीड के कनेक्शन है, इसमें थ्री स्पीड के लेटेस्ट तरीके से लगती है। ओके दोस्तों, हमारी मोटर हो चुकी कंप्लीट, धागा भी हो गया, लीड भी लग गई थ्री स्पीड में, लीड एरी सेम ब्लू कॉमन है, और कैपेसिटर भी इसका 45 का है, ये लिखा हुआ देख सकते हैं आप। बाकी जानकारी मैंने अपनी इस वीडियो में दे रखी है, देख सकते हैं आप। मेरी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करना, और वाइंडिंग कैसी लग रही है आप लोग उस कमेंट्स में भी जरूर बताना। ओके दोस्तों, तो आपको अपना इलेक्ट्रिकल्स, तो आपको ऐसे ऐसे मोटर देखने को जरूर मिलेगी, और ऐसी फैन मोटर की रिपेयरिंग।